नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ। मैं बच्चों के चेस्ट एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं चिल्ड्रन चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में एलर्जी रिलेटेड क्या सिम्टम्स होते हैं। जब एलर्जी होती है किसी बच्चे में तो उसके सिम्टम्स कई जगह देखे जाते हैं, जैसे कि आईज में, नोज में, स्किन पर, बच्चों के चेस्ट में, और साथ में कई बार फूड एलर्जीज भी होती हैं। इन एलर्जिक रिएक्शंस में क्या होता है? नोज से स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को नेजल एलर्जी रहती है उनको छींकें काफी आती हैं, नोज हर वक्त या तो ब्लॉक्ड रहती है या बहती रहती है, नोज में काफी इरिटेशन या इचिंग होती है, खुजली होती है, और बच्चे अपनी नोज को इस तरह से या ऐसे रब करते रहते हैं। इससे बच्चों की तबीयत अच्छी नहीं रहती है, बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, परेशान रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, अच्छे से सो नहीं पाते हैं। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। जब एलर्जिक प्रॉब्लम्स आई में होती हैं तो क्या होता है? आई एलर्जीज में आईज रेड हो जाती हैं, आईज में बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है, आईज में काफी इचिंग या खुजली होती है। ये प्रॉब्लम्स कभी कभी हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स खाली एक पर्टिकुलर सीजन में हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स कई बार पूरे साल भी रह सकती हैं। ज्यादातर नोज और आई की एलर्जी इकट्ठी होती है और इस कंडीशन को एलर्जिक राइनो कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। जो थर्ड कॉमन एलर्जिक प्रॉब्लम्स बच्चों में देखी जाती हैं उसमें चेस्ट एलर्जी होती है, जिसको हम चेस्ट कंजेशन, वीजिंग या एस्मा के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चों को रेगुलर खांसी रह सकती है, भागने खेलने में खांसी बढ़ सकती है, कुछ बच्चों को ब्रेथलेसनेस या सांस में दिक्कत रहती है। ये प्रॉब्लम भी कई बार सीजनल होती है, कई बार थ्रू आउट द ईयर रह सकती है। स्किन एलर्जीज में क्या होता है? स्किन एलर्जी जो है सबसे पहली चीज है जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स में देखी जाती है, उसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जीमा कहते हैं। एक्जीमा कौन से पार्ट्स पे होता है? यूजुअली एक्सटेंसर पार्ट्स पे होता है, बच्चों के आर्म्स पे, इस एरियाज में बच्चों के फेस पे, नेक पे, ट्रंक पे और बच्चों के पैरों पे एक्जीमा देखा जाता है। इसमें स्किन रेड हो जाती है, बहुत ही उसमें इची या खुजली होती है, बच्चों को उससे काफी इरिटेशन रहती है, कई बार ये रिएक्शन बढ़ जाता है और उसमें इन्फेक्शन या पस भी बन सकती है। इसके अलावा एलर्जीज जो होती हैं वो फूड रिलेटेड एलर्जीज होती हैं। फूड रिलेटेड एलर्जीज में यूजुअली कुछ खाने के बाद, और कुछ खाने के बाद रिएक्शन तुरंत होता है, विद इन 30 मिनट्स to 2 आवर्स ये रिएक्शन हो जाता है, और इस रिएक्शन में बच्चों को अर्टिकेरिया या हाइव्स हो सकती हैं। ये रेड रेड से स्पॉट्स होते हैं, बम्पी से स्पॉट्स होते हैं, काफ़ी इसमें इचिंग होती है, यूजुअली कुछ देर के लिए रहते हैं। कई बार साथ में इस कंडीशन के साथ लिप्स जो होते हैं हमारे और आईज जो होती हैं वो भी स्वेल हो जाती हैं। इस कंडीशन को एंजियोडीमा कहा जाता है। कभी कभी ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये रेयर है लेकिन ऐसा होता है, और इन रिएक्शंस में देखा जाता है कि बच्चों की जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, कई बार इन रिएक्शंस में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बच्चे फेंट भी हो जाते हैं। इस कंडीशन को एनाफिलैक्सिस कहा जाता है और ये कंडीशन जो है काफ़ी सीरियस है। बच्चों की एलर्जीज के बारे में जल्दी पता होना चाहिए, इससे उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर रहती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें, अंकित पारक.com। धन्यवाद।